हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट प्रोफेशनल क्लास में वेलकम। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इससे पहले हम लोग अपनी क्लास में कर चुके हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेस पर ही जो बना हुआ ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन की जा चुकी है। इसमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है ए टू बी वाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। और अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर को करने के लिए प्लस वन का जो टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स एंड दिस इज अ लेफ्ट। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, क्लियर। अब हम लोग इसी का अगला पार्ट करेंगे, वो है अपर एंड लोअर पैराबोला। अपर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई एंड लोअर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, क्लियर। नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स में क्या है हमारे पास, फर्स्ट है सेंटर पॉइंट इज जीरो जीरो एंड ए कॉमा जीरो जीरो कॉमा बी, मीन्स कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। वेन अगर बी ग्रेटर देन ए है तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। ये कौन सी इक्वेशन है, इलिप्स। नेक्स्ट है सर्कल। सेंटर पॉइंट इज जीरो जीरो, सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस आर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्लियर। इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वेयर एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू। विच पैराबोला, राइट, एंड गिवन द लिमिट वन एंड टू। सो एरिया इक्वल टू वन टू टू, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। सो वाई क्या आएगा, रूट फोर एक्स, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर वन बाय टू। लिमिट्स एक्स की है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे, टू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स रेज टू पावर वन बाय टू प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन, 2 इंटू टू अपॉन थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू, फोर बाय थ्री टू रेज टू पावर थ्री बाय टू अपर माइनस लोअर, फोर बाय थ्री एंड रूट टू स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री बाय टू कैंसल, फोर बाय थ्री टू इंटू रूट टू, तो क्या आ गया हमारे पास, एट रूट टू अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या आ गया, इस पैराबोला का
एरिया आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बेस पर, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया y इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। सो एरिया इक्वल टू जीरो टू वन, लिमिट्स x की है तो हम लोग x लेंगे, x dx, x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वन बाय टू इज द कॉन्स्टेंट, वन स्क्वेयर माइनस जीरो स्क्वेयर, सो एरिया इज वन बाय टू स्क्वेयर यूनिट। क्लियर। ये तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसी के बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।